दोस्तों, अगर आप भी अपनी गाड़ी के लिए ढूंढ रहे हैं एक मेटालिक लोगो अपनी गाड़ी को सजाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। हमने एक मेटालिक लोगो अमेजोन से मंगवाया था, अभी हमारे पास आ गया है। कुछ इस तरीके का देखने में लगता है ये मेटालिक लोगो। मैंने जो लोगो मंगवाया है वो स्पोर्ट्स का लोगो मंगवाया है। इसके बहुत सारे लोगोज आते हैं अलग अलग, यहाँ पे आपको टर्बो का लोगो मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगोज होते हैं, आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो लोगो होता है ये मेटालिक लोगो है, गाड़ी का बहुत अच्छा लुक आता है जब भी आप इसको पेस्ट करते हैं। इसके पीछे एक एडेसिव लगा होता है जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी पे इसको फिक्स कर सकते हैं और गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, एक बारी सबसे पहले इसको हम अनपैक कर लेते हैं, आपको एक्चुअल लोगो दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको इसको प्लेस भी करके दिखा दूंगा। अभी इस लोगो को मैंने निकाल लिया है और आप देखेंगे कि फिनिशिंग वाइज तो ये बहुत अच्छा लगता है। इस तरफ से अगर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ये जो है मेटालिक का है, तो गाड़ी में जब आप इसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है गाड़ी का, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और हर साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखने में कैसा लगता है। पीछे की तरफ यहाँ पे ये एडहेसिव दिया होता है जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। अपनी गाड़ी पर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नट पे लगा सकते हैं, अपने जो साइड डोर्स होते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इसको अपने बूट पर जहाँ पे गाड़ी का लोगो होता है उसके नीचे भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो साइज़ वाइज भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप मेरे हाथ का साइज़ देख सकते हैं, तो ये कुछ इतना बड़ा होता है और बिल्कुल प्रॉपर साइज़ है। आप अपनी गाड़ी, चाहे आपकी गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, जहाँ पर भी आप इसको लगाएंगे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो प्रोडक्ट है अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही अवेलेबल है। ये जो प्रोडक्ट है ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी ब्रांड का ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं आप वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसको मैं अपनी गाड़ी में जो को पैसेंजर साइड का फ्रंट फेंडर होता है वहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर मैंने इसको प्लेस करना है। इस बात को आप इंश्योर कर लें जब भी आप इसको प्लेस करने वाले हों, सबसे पहले आप उस सरफेस को बिल्कुल क्लीन कर लें। सरफेस में किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके के डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने ये जो टिश्यू लिया है इससे मैं इस जगह को बिल्कुल साफ़ कर रहा हूँ, जिससे कि जब हम इसको प्लेस करें तो ये अच्छे से प्लेस हो जाए। तो अभी आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि मैं इसको कहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ। अगर अलाइनमेंट में आपको इसका दिखाऊँ तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर अलाइन किया है, जो ये सामने की तरफ लाइन्स है उसके हिसाब से मैंने इसको अलाइन किया है। अब एक बारी मैं इसको प्लेस करके आपको दिखा देता हूँ। अभी इसके पीछे की जो एडहेसिव टेप है उसको हम निकाल लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप इसकी एडहेसिव जो टेप है उसको निकाल सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अगेन अगर आपको मैं अलाइनमेंट दिखाऊँ तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से अलाइन किया है। आप भी अपनी गाड़ी में इसको इस तरीके से कुछ अलाइन कर सकते हैं अगर आप भी आगे वाली साइड पर इसको लगाने की सोच रहे हैं तो। एक चीज़ यहाँ पर और आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इसको पेस्ट कर लें उसके बाद इसके ऊपर कोई भी गीला कपड़ा या पानी वगैरह इस पर नहीं मारे कुछ समय के लिए, ताकि इसकी जो एडहेसिव है पूरी तरीके से आपकी गाड़ी की सरफेस से चिपक जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसको लगाने के बाद गाड़ी का किस तरीके से लुक आता है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगती है गाड़ी। और आपके पास चाहे कोई भी गाड़ी हो आप इसको इस पर लगा सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।